नमस्कार दोस्तों, मधु लेट्स डू समथिंग न्यू में स्वागत है। तो आज हम घर पे रखे प्याज से एक टेस्टी और शानदार सब्जी बनाएंगे। जल्दी से बनेगी और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत ही बड़ी आसानी से बन जाती है और सबको बहुत पसंद आती है। तो गाइस शुरू करते हैं रेसिपी। तो चलिए, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, प्याज ही चाहिए। और देखिए, मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया, बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं डालना। और तेल गर्म हो जाएगा तो हम जीरा डालेंगे इसमें आधी चम्मच। बहुत आसानी से बनेगी गाइस, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत टेस्टी लगती है। बच्चे तो चट कर जाएंगे, बड़े भी चट कर जाएंगे। तो देखिए, तेल गर्म हो गया है और मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा पक थोड़ा सा तड़क जाए उसके बाद हम इसमें तेज पत्ता होते हैं ना, उसको एक पत्ते को मैंने 4-5 पीस करके डाले हैं, ज़्यादा नहीं डालना है। और चॉप हरी मिर्च डाली है, दो चॉप हरी मिर्च को मैंने चॉप कर लिया था। और ये मैंने अदरक को भी एक पीस को चॉप कर लिया था, ये मैंने अदरक डाली है। और हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। आप चाहे तो लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, बाकी हम थोड़ा लहसुन कम यूज़ करते हैं। और देखिए, मैंने थोड़ा गैस को बंद कर दिया था कि जल नहीं जाए, क्योंकि मैंने टमाटर कट करने थे। तो देखिए, मैंने टमाटर को चॉप कर लिया है और ये दो टमाटर हैं पूरे बड़े साइज़ के। और चाहे तो आप प्यूरी भी बना सकते हैं। देखिए, मैंने तो इस ग्राइंडर में थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था उस तरीके से। और देखिए, मैंने डाल दिया है। अब हम मसाले ऐड कर देंगे, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, ईजीली बन जाती है। जैसे घर में ईजी सब्जी बनाते हैं ना, बड़ी लगती, बड़ी टेस्टी। बस इसमें हम एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे, उसी से बहुत टेस्टी हो जाएगी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे गाइस, नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। हम अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड करके और जो भी मसाले होते हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया, वो डाल देंगे। और सब ये लगभग एक एक चम्मच ही डालना है हमें। मिर्ची आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और लगभग मैंने 1.25 चम्मच मिर्ची डाल दी है और 2 चम्मच ही मैंने धनिया, छोटी है मेरी चम्मच, आप बड़ी हो तो, मेरी छोटी चम्मच है, और बड़ी चम्मच हो तो आप एक कर दीजिएगा। और हल्दी डाल दी है। और देखिए, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ मिनट के लिए पका लेंगे। बस कुछ ज़्यादा नहीं है, देखिए मैंने बहुत सिंपल, जैसे सिंपल सब्जी बनाते ना वैसे बन रही है, लेकिन लगती बड़ी टेस्टी है। आपको यकीन ही नहीं होगा कितनी टेस्ट, इतनी अच्छी सब्जी बनती है। और कुछ ज़्यादा नहीं है डाला हमने। और थोड़ा सा पकने के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को क्या करा था, मैंने कट कर लिया था और उनके जो पीसेज होते हैं उनको अलग कर लिया था। देखिए इस तरीके से, ऐसे उनकी जो लेयर्स होती हैं ना, उनको मैंने अलग कर लिया था। और ये मैंने 4 से 5 बड़े प्याज कट करे थे। और ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब ज़्यादा इसलिए नहीं पकाना क्योंकि प्याज में हम पानी तो ऐड करेंगे नहीं, और मसाला वैसे भी पकाना है तो इसके साथ ही पकेगा और प्याज भी पक जाएंगे हमारे इसके साथ साथ। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट सिर्फ कुक करना है, वो भी धीमी आँच पर, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं करनी है, धीमी आँच पर ही कुक करें। तो कुक करने से सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। तो जो भी सब्ज़ी बनाए आप धीमी आँच पर कुक करिए। धीमी कुक होने से क्या होती है, टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। और अब हम इसको ढक के रख देंगे धीमी आंच पे। तो इसको हम प्लेट से ढक देते हैं। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट अच्छे से कुक कर लूंगी। बीच में आप चाहो तो चेक भी कर सकते हैं। और मैं इसको पका लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 2 से 3 मिनट, 3 मिनट लगभग हो गए हैं। और प्याज देखिए लगभग इस कलर में आ गई है, यानी लगभग गल गई है, काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। और देखिए बहुत कम ऑयल लिया था और ऑयल दिख रहा है काफ़ी, बहता हुआ ऑयल तो अच्छा भी नहीं लगता गाइस। तो देखिए, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। तो ये मैं इसको क्रश करके डाल दूँगी। ये मोस्टली ऐसी सब्जियों में डालनी चाहिए, बहुत अच्छी लगती है, जो टेस्ट होता है ना बहुत अच्छा बढ़ जाता है इसका। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब मैं जो सीक्रेट डाल रही हूँ वो सिंपल है लेकिन अच्छा टेस्ट बना देती है, वो है हमारे घर की फ्रेश मलाई। ये मलाई मैंने रात की दूध की निकाल के ली थी, और आप शायद 1-2 दिन की भी ले सकते हैं। और मैंने इसको अच्छे से मैश फेट लिया है, चाहे तो आप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मलाई भी अच्छी लगती है। और मैंने इसको फेट के 2 चम्मच ली थी। और इसको मैंने इसमें, इससे ही इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। और ये भी थोड़ा सा अपना जो अंदर का ऑयल होती है वो भी रिलीज कर देती है। और अब हम इसको
अब हम इसको 1 से 2 मिनट इसको कुक कर लेंगे इसको मिक्स करके। देखिए हम इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने से देखिए कलर भी बहुत प्यारा हो गया इसका सब्जी का। अब जब कुक कर लेंगे तो और अच्छा कलर आ जाएगा और बहुत सिंपल और आसानी से बनने वाली सब्जी और बहुत टेस्टी लगती है। 2 की जगह 4 रोटी खा जाओगे गाइस, बहुत पसंद आएगी, ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा। और आसानी से बन जाती है, सब सामान घर में ही होता है, कुछ नया नहीं डाला हमने। और मैं 2 मिनट कुक कर लेती हूँ और देखिए मेरा कुक हो गया है लगभग 4 से 5 मिनट, मुझे 5 मिनट लगभग इस सब्जी को बनाने में लगी है और कोई ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं करनी पड़ती है, जो नॉर्मल सब्जी में करते वैसे ही करते हैं। इसमें हरा धनिया की पत्तियाँ डाल देंगे। गाइस रेडी है सब्जी, कैसी लगी आपको रेसिपी? पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।